हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं एक इंडिपेंडेंस डे ड्राइंग कर रही हूँ, वो भी रंगोली कलर का यूज़ करके। ये जो रंगोली कलर है वो बहुत चीप रेट का है, आप लोग कोई भी इसको परचेज कर सकते हैं लोकल स्टोर से। इसका कॉस्ट लगभग 20 to 25 रुपीज़ पड़ता है, तो आप लोग नियर बाई कोई भी लाइब्रेरी में ट्राई कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये जो हम लोग का नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है, और नेशनल फ्लैग का जो कलर्स है ऑरेंज, वाइट एंड सैफ्रॉन, और जो मिडिल में है ब्लू कलर का चक्र, उसको मिक्सअप करके मैं ये ड्राइंग कर रही हूँ। और पीकॉक जो है नेशनल बर्ड है, तो उसी को दोनों को मिक्सअप करके जो है मैं ये थीम क्रिएट की हूँ। आप लोग कोई भी आने वाले जो 15 अगस्त के टाइम पे कोई भी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करने टाइम ये ड्राइंग आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये 6-7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसको जो है आप लोग अगर वाटर कलर को छोड़ के, पोस्टर कलर को छोड़ के कोई और दूसरा जैसे कि ऑयल पेस्टल वगैरह का या पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे, तो छोटे बच्चे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को छोटे बच्चों के लिए भी ऐसे ही थीम का वीडियोस चाहिए, तो आप लोग मुझे फटाफट जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रिपेयर करने का भी टाइम मिल जाए, तो मैं फटाफट आपको अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं पीकॉक का बॉडी ड्राइंग कर लूँगी ब्लू कलर से, एकदम आराम आराम से करूँगी, क्योंकि मैंने इस पर कोई भी बेसिक बॉर्डर क्रिएट नहीं की हूँ पेंसिल से। आप लोग अगर बिगिनर हैं तो आप लोग इसका जो है पीकॉक का बॉडी पेंसिल से ज़रूर क्रिएट कर लीजिएगा इसी शेप में। तो मैं इसको अभी फिलअप कर दूंगी आउटर बॉर्डर को क्रिएट करने के बाद ब्लू कलर से, और थोड़ा सा हल्का सा शेडिंग भी रखूंगी ब्लू एंड वाइट में, ताकि लाइट इफ़ेक्ट को भी थोड़ा सा समझ में आए। आप लोगों को अगर शेडिंग वगैरह नहीं आता है तो बिना शेडिंग का भी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपको कम्फर्टेबल लगे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा कलर को शेडिंग टाइप को कर ली हूँ ब्रश से। अभी वाइट कलर को लेके वाइट को बीच में डाल दूँगी, और दोनों कलर को जो है मिक्स कर लूँगी हल्का सा। अभी फिर से ब्लू कलर लेके शेडिंग कर लूँगी उसमें, तो शेडिंग करने से लाइटर इफ़ेक्ट आता है और आपका जो भी ड्राइंग है उसको ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लुक देता है। तो ऑलवेज जो है आप लोग शेडिंग ट्राई कीजिएगा कोई भी कलर में, ज़्यादातर पोस्टर कलर में शेडिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और निखर कर आता है। उसके बाद जो है फिर से मैं एक मोटा लेयर का ब्लू कलर कर दूंगी साइड का एरिया को, और जो भी मुझे एरियाज में थोड़ा सा अप एंड डाउन लग रहे थे, इरेगुलर लाइंस थे, उसको मैं एकदम शार्प कर दूंगी। तो ये लगभग मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एकदम लाइट सा लाइटर इफेक्ट दी हूँ वाइट का, और यहाँ पे थोड़ा सा खाली भी गैप छोड़ दी थी, खाली वाइट देने से भी नहीं होता, उसमें थोड़ा सा वाटर से मैं मिक्स कर दूँगी, ब्लेंड अप कर दूँगी दोनों कलर को। तो अभी जो है जो पिकॉक का मुंह है उसको बना दूंगी रेड कलर से एकदम छोटा सा, और मैं यहाँ पे ज़ीरो ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी स्मॉल ब्रशेस का यूज़ करें, और आप लोग अगर बिगिनर है बहुत ही धीरे धीरे से कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है, ऑरेंज कलर से एक आउटर लेयर क्रिएट कर लूँगी, ताकि जो भी मैं पिकॉक का फेदर को कलर दूँ उसका एक आउटर लेयर क्रिएट हो जाए, जब भी मैं उसको कलर अप्लाई करूं तब मेरे माइंड में जो है कोई भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, मैं फ्रीली कर पाऊं, उसलिए जो है आउटर लेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो आप लोग भी आउटर लेयर ज़रूर जो है क्रिएट कर लीजिएगा। अब मैंने ब्रश पे ऑरेंज कलर ले लिया है और एकदम आराम आराम से प्यार प्यार से एक शेप क्रिएट कर रही हूँ जो लंबा लंबा, और बार बार जो है मैं कलर में डिप कर ले रही हूँ, क्योंकि जब भी आप लोग इस तरह का कोई भी शेप क्रिएट करना चाहे तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के ब्रश में जो है इनफ कलर हो और बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये शेप्स जो है क्लियरली क्रिएट नहीं होगा। तो ऑलवेज़ जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके ब्रश में इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करने के टाइम इनफ कलर हो और ब्रश जो है स्मूथली चले। लेकिन स्मूथ करने के चक्कर में आप लोग पानी बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एकदम पानी यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट जो है मैंने वाटर कलर को लेके उसमें अप्लाई किए हैं, तब भी जो है इसका जो पैटर्न आया है वो आ रहा है। मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रशेस नहीं है, ज़्यादा जो ब्रशेस वो मेरे दूसरे घर पे है, तो इसलिए मैं मेरे पास जो भी ब्रशेस अवेलेबल था उसी से शेप्स क्रिएट कर रही थी। आपके पास अगर राउंड ब्रश है तो आप लोग ज़रूर राउंड ब्रश का यूज़ कीजिएगा, 6 to 7 नंबर का राउंड ब्रश, उसमें से जो है अच्छा सा पैटर्न क्रिएट होगा। तो ये जो है बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए पहले मैं बाहर का आउटर लेयर को जो है क्रिएट कर ले रही हूँ। तो इसमें जो है पिकॉक का फेदर डिफरेंट कलर, जैसे कि ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर का रहेगा। तो इसी तरह फर्स्ट लेयर ऑफ पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं सेकंड लेयर ऑफ पैटर्न करूँगी इसके नीचे, जैसे और जहाँ पे बीच में जो की हूँ उसमें इवन लेयर नहीं हुआ है उसको भी कर लूँगी। तो उससे पहले मेरे ब्रश में थोड़ा सा कलर था, मैंने से हल्का सा पानी लेकर उसको नीचे जो है ब्लेंड अप कर ली हूँ कलर को, थोड़ा सा शेडिंग इफ़ेक्ट आने के लिए नीचे का। एंड मैंने जो है एकदम ड्राई एक ब्रश लिया है बिग साइज़ का, उससे जो है मैं हल्का सा फैला दी हूँ, थोड़ा सा फिर से उसमें पानी जो है ले लिए और उसके बाद उसको स्प्रेड अप कर दे रही हूँ। एकदम लाइटर इफेक्ट रहेगा इसका। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अब जो है पहले लेयर में टच मत करवाइएगा, नहीं तो जो पहले लेयर का अभी अभी किया हुआ कलर है वो जो है शेडिंग इफेक्ट में आ जाएगा, तो आपका शेडिंग इफेक्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। सो बी केयरफुली ये सब करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अब जो है वाइट लेयर करना है, जो मिडिल लेयर होगा। और वाइट लेयर में बार बार जो है ऑरेंज मिक्स हो जा रहा था, मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग जो है ऑरेंज को थोड़ा सा सूखने दीजिएगा, उसके बाद जो है वाइट का लेयर कीजिएगा, तब ये दोनों जो है मिक्सअप नहीं होगा। मेरा जो है थोड़ा मिक्स हो जा रहा था और बार बार मैं बहुत ज़्यादा कलर लेके फिर भी उसको कर रही थी। और अगर आप लोग बिगिनर है तो ज़रूर उसको पहले ऑरेंज कलर को ड्राई होने दीजिएगा, ड्राई होने के बाद ही आपको वाइट का लेयर करना है। यहाँ पे मैंने ड्राई नहीं किया है, बहुत जल्दी जल्दी की थी उसकी वजह से। तो जैसे कि मैंने ऑरेंज कलर का बॉर्डर क्रिएट किया उसी तरह पैटर्न क्रिएट करते हुए मैं इसको जो है बार बार वाइट कलर में डिप कर करके उसके बाद क्रिएट कर रही थी। और हमेशा इससे पैटर्न यूज़ करने के टाइम फिर से मैं आपको याद करवा दूँ, आपका ब्रश में जो है इनफ कलर होना चाहिए। तो इनफ कलर में जो है आप बार बार ब्रश को डिप कर लीजिएगा। और हाँ, राउंड ब्रश का यूज़ कीजिएगा, पैटर्न और ज़्यादा अच्छा आएगा और उसका पैटर्न का जो एंड एरिया है वो है शार्प हो जाएगा, तो आपका जो ड्राइंग है और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वाइट में भी वैसे सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा फिर से सेकेंड लेयर कर दे रही हूँ, तो वाइट का लेयर हो गया है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी साइड में भी थोड़ा सा मिक्सअप कर दे रही हूँ। एकदम जितना भी हो पा रहा था मेरे से मैं उसमें शार्प कर रही थी। यह हल्का सा ड्राई हो गया था, उसके ऊपर ऑरेंज ऑरेंज आ गया था, तो मैंने फिर से वाइट कलर लेके उसके ऊपर दूसरा लेयर कर दिया। तो अभी जो है
इसमें थोड़ा सा वाइट घुस गया था अंदर में शेडिंग करने के टाइम, तो उसको मैं ब्लू कलर से कवर अप कर दी हूँ। अभी हम लोगों को ग्रीन कलर का जो सैफ्रन कलर है, सैफ्रन कलर का लेयर क्रिएट करना है। तो अभी सैफ्रन कलर का लेयर क्रिएट करेंगे हम लोग। तो इनफ कलर लेते हुए मैं पैटर्न को कर लूँगी बहुत ही जेंटली। पैटर्न जो है प्रॉपरली दिखना चाहिए तभी आप अच्छा होगा। पैटर्न अगर नहीं दिखेगा तो जो कलर है जितना भी आप भर भर के कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं मैं ऐसे ही खींच खींच के नहीं भर रही थी, मैं पैटर्न क्रिएट करते हुए जो जगह है उसको फिलअप कर रही थी एकदम प्यार प्यार से, उसको जो है बिल्कुल रब नहीं करना है। तो ये जगह पैटर्न क्रिएट करते हुए मैंने कर लिया है। अभी देखिए ये थोड़ा सा छोटा जगह है और ये ब्रश जो है मेरा बड़ा है, तो मैं ब्रश को एक्सचेंज कर लूँगी और ज़ीरो ब्रश को फिर से लेके जो है मैं फिर करूँगी यहाँ पे। देख सकते हैं ज़ीरो ब्रश में मैंने थोड़ा सा कलर लेके उसके बाद अंदर जो है ग्रीन कलर डाल दिए थोड़ा सा, और नेक के नीचे भी थोड़ा सा ग्रीन कलर का शेड कर दूँगी और यहाँ पर भी नीचे पर भी हल्का सा, और थोड़ा सा पानी लेकर, कुछ ज़्यादा पानी नहीं, इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि ग्रीन का जो है थोड़ा थोड़ा पता चले। इस लाइन को जो है मैं ज्वाइन कर दूँगी ग्रीन कलर से हल्का हल्का सा। तो पिकॉक का जो है ओवरऑल लुक कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं पैटर्न को थोड़ा थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ। जो भी एरियाज में मुझे लग रहा था कि पैटर्न उतना शार्प नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है लाइट इफेक्ट की वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा था, सामने से समझ में आ रहा था कहाँ कहाँ पर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। आप जितना भी बोलिए वीडियोस में और सामने जो है रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो वीडियो का एंगल की वजह से भी आप लोगों को कभी कभी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा दिख सकता है, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। तो इसमें मैं जो है ऑरेंज में थोड़ा सा हल्का सा रेड मिक्स करके ऑरेंज को थोड़ा सा डार्क कर ली हूँ, और पैटर्न को फिर से जो है एक लुक देने के लिए हल्का हल्का सा एक एक लेयर कर रही थी मैं साइड साइड से, एक एक साइड पैटर्न पूरा नहीं कर रही थी, एक एक साइड से छोटे छोटे लेयर्स को जो है मैं क्रिएट कर रही थी। आप देख सकते हैं जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पे जो है आपको शेडिंग्स नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जहाँ पे लाइटिंग शेडिंग लाइट ज़्यादा नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे जो है आप शेडिंग को समझ सकते हैं। तो इसी तरह जैसे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, उसी तरह जो है आपको शेड एकदम आराम आराम से क्रिएट कर लेना है। अगेन राउंड ब्रश यूज़ कीजिएगा 3-4 साइज़ का इसमें, तभी अच्छा होगा। तो उसी ऑरेंज कलर से जो है मैंने पीकॉक का चूड़ा बना लिया है और ज़ीरो ब्रश से उसको बॉडी के साथ थोड़ा सा जॉइंट कर लिए। तो देख सकते हैं थोड़ा फ्लावर टाइप का की हूँ मैं चूड़ा। तो पीकॉक का ओवरऑल जो है कंप्लीट हो गया। अभी आइज़ करना है, तो ज़्यादा वाइट कलर ज़ीरो ब्रश में लेके छोटा सा ड्रॉप क्रिएट की हूँ मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं है, तो आपको रियलिस्टिक में उतना ज़्यादा ध्यान रखने का उतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो वाइट का पैटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाता, इसलिए ज़ीरो ब्रश से मैं फिर से जहाँ पर भी ज़्यादा कलर है और जहाँ पर भी कम है उसको मैं बैलेंस कर रही थी। उसके बाद अभी जो है बैकग्राउंड में थोड़ा सा, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खाली खाली सा है, तो मैं अभी बैकग्राउंड में करूँगी ऑपोजिट कलर्स करके बैकग्राउंड कर दूँगी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हाँ जो ग्रीन कलर का है उसमें भी थोड़ा सा मैं सोची हूँ कि इफ़ेक्ट दे दूँ थोड़ा डार्क कलर से, तो मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर जो है सैफ्रन के ऊपर डार्क ग्रीन कलर का लेकर जो है इसमें हल्का हल्का सा फिर से पैटर्न क्रिएट कर ले रही हूँ ताकि जो ड्राइंग है उसमें शेडिंग समझ में आए और दिखने में अच्छा लगे।
सो इसी तरह आप लोग जो है ऑयल पेस्टल में भी एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम आप लोग कर सकते हैं, पैटर्न वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑयल पेस्टल भी इसी ड्राइंग का देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑयल पेस्टल भी आप लोगों को करवा के दिखाऊंगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इजीली इसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल ड्राॅइंग है ये। और कंपटीशन में जाने के बाद आप लोगों को जो है प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह में 15 अगस्त में कंपटीशन होता है, और अगर कंपटीशन नहीं भी है तो आप अपने बच्चों को घर पे जो है इसको ट्राई करवा सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। सो ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। अब नीचे से जो है मैं ग्रीन कलर का थोड़ा डार्टी ग्रीन जो है मैं यूज़ की हूँ, ग्रीन कलर का इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। बड़ा सा राउंड ब्रश लेके थोड़ा नीचे मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर लूँगी। ये जो कलर है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है ताकि डार्कर शेड नहीं समझ में आए, शेड जो है बैलेंस रहे। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्रीन कलर को अप्लाई करके एक लेयर क्रिएट कर लिया है। तो लेयर को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको जो है ब्लेंड करना है हम लोगों को। तो यू शेप में मैंने थोड़ा सा कर्व शेप में, जैसे मेरा पिकॉक का बॉडी है उसी शेप की अकॉर्डिंग जो है मैंने लेयर क्रिएट किया। अभी जो है मैंने ब्रश को वॉश करके उसमें वाइट ले लिया और साइड में पहले वाइट को दे दिया, और उसके बाद जो है मैं वाइट और ग्रीन को मिक्स कर लूँगी। ये फर्स्ट लेयर है, पहले लेयर में ही समझ में नहीं आएगा, तो देख सकते हैं फिर से मैं एक वाइट का लेयर ले रही हूँ। हल्का हल्का सा वाइट लेना है और उसको मिक्स करते रहना है, लेकिन एकदम से जो है ग्रीन कलर में नहीं अप्लाई करना है आपको। आपको वाइट देकर वाइट को उसी जगह पे फैला के धीरे धीरे से ग्रीन के एरिया में लेकर आना है। तो इसी तरह आपको ग्रीन और वाइट को बहुत ही प्यारा सा जो है इफ़ेक्ट देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं वाइट ले रही थी और मिक्सअप करती जा रही थी। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन डाल दिया मैंने, ग्रीन डाल के फिर से ग्रीन को मिक्सअप कर लेना है आपको। तो देख सकते हैं आप नीचे का एरिया किस तरह का इफेक्ट लुक आया है, ग्रीनी सा, क्योंकि ये इंडियन फ्लैग का ये है तो हम लोग का इंडिया में जो है ग्रीनी का कमी नहीं है, ग्रीन को भर भर के डालना है आपको। तो नीचे के एरिया लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है आपको ऊपर के लेयर में भी काम करना है। तो ऊपर भी मैं ऑरेंज कलर का जो है एक हल्का सा लेयर क्रिएट कर लूँ, जितना मैंने ग्रीन दिया उतना मैं ऑरेंज नहीं दूंगी, एकदम हल्का सा जो है एक लेयर क्रिएट कर रही हूँ ऊपर के एरिया में, और उसको जो है मैं वाइट से मिक्स नहीं कर रही हूँ, पानी से ही मिक्स करूँगी, नहीं ज़रूरत है वाइट का वहाँ पे। तो मैंने आराम से उसको जो है मिक्सअप कर दिया। तो मेरा बैकग्राउंड जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है, मैं आराम आराम से मिक्सअप कर दिए, और बीच में जो है थोड़ा सा वाइट कलर का ज़रूरत पड़ रहा था, ऑरेंज और ग्रीन जो है मिक्स हो जाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वाइट डाल दिया है और थोड़ा सा वहाँ पे भी मिक्सअप कर देना है आपको। अभी जो है आपको लेग बाकी था तो मैंने ज़ीरो ब्रश में थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा, और एकदम छोटा छोटा जो है मैंने लेग क्रिएट कर दिया। आप लोगों को अगर इसका जो है बेसिक ड्राइंग नहीं आता है पिकॉक का तो आप लोग बोलिएगा, मैं आपको बेसिक ड्राइंग भी सिखा दूँगी पिकॉक को जो है कैसे फिगर को एक्नॉलेज करना है। और उसके बाद जो आई है उसके ऊपर भी मैं ब्लैक कलर से एक लेयर क्रिएट कर ले रही हूँ। यहाँ पे लाइट इफेक्ट की वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा था ब्लैक कलर उतना ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लू के ऊपर है और ब्लू ऑलरेडी डार्क है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सामने से समझ में आ रहा था। तो पिकॉक का फिर भी मुझे शेडिंग में थोड़ा सा कमी लग रहा था, तो पिकॉक को जो है मैंने बॉडी में ब्लू कलर का यूज़ करके पिकॉक बॉडी का जो है शेप्स क्रिएट कर दिया है मैंने, यू टाइप का, एकदम आराम आराम से करना है आपको, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये लास्ट फिनिशिंग पार्ट है, थर्ड लेयर है आपका ड्राइंग का और यही लास्ट लेयर है, तो आपको एकदम आराम आराम से
इस लेयर को करना है, क्योंकि यही लेयर जो है आपका ड्राइंग को निखार कर लाएगा, एकदम फिनिशिंग वर्क दिखाएगा आपका, आपका शार्पनेस दिखाएगा। तो यही पे जो है आपको अपना शार्पनेस दिखाना है। तो देख सकते हैं एक सिंपल सा टेक्निक से आपका ड्राइंग जो है लुक कितना चेंज हो गया है, थोड़ा सा शेडिंग में भी अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है मैं देख रही हूँ कि फेदर में भी थोड़ा सा कुछ तो कमी सा लग रहा था, तो नीचे से थोड़ा सा ग्रासेस दे दिए मैंने पिकॉक के नीचे, जैसे पिकॉक ग्रासेस में चल रहा हो इसी तरह का एक ग्रासेस क्रिएट कर दिया मैंने, एकदम ज़ीरो ब्रश यूज़ करके। और फ्री हैंड में जो है ग्रासेस करना है आपको, बिल्कुल भी रुक रुक कर नहीं। अगर आप लोग रुक रुक ग्रासेस करेंगे तो ग्रासेस जो है शार्प नहीं होगा, तो आपको फ्री हैंड ही करना है। और अभी जो है मैं एक ब्रश में थोड़ा सा पानी लेके ग्रासेस का नीचे का जो एरिया है उसको ब्लेंड अप कर दूँगी। तो ज़्यादा कोई ब्लेंड अप नहीं करना है आपको, एकदम हल्का सा, ताकि जहाँ पर भी ज़्यादा कलर पड़ा हो वो जो है एरिया नहीं समझ में आए। तो अभी जो है फेदर में थोड़ा सा और क्रिएट करूँगी कुछ पैटर्न, ताकि फेदर जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे इसको। ये जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो मैंने ऑरेंज कलर से वी क्रिएट कर दिया है एकदम आउटर लेयर में। और इस भी को भी एक ये नहीं कि एक भी के साथ और एक भी लगा कर करना है, वैसा नहीं, एकदम दोनों भी में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देना है आपके, जैसे कि थ्री पैटर्न में से एक पैटर्न में करना है, एक पैटर्न में गैप छोड़ना है और दूसरे पैटर्न में जो है फिर से जाके आपको वी क्रिएट करना है। तो इसी तरह जो है आपको डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए आपका वी जो है उसको क्रिएट करना है। एकदम ध्यान में रखिएगा वी के साथ भी नहीं लगना चाहिए, तो नहीं तो आपको जो है आपका ड्रॉइंग अच्छा नहीं लगेगा। एकदम अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पिकॉक जो है पिकॉक का फेदर थोड़ा इसी तरह का होता है, एक ऊंचा नीचा होता है, लेयर्स इसमें जो है समझ में आता है। अभी जो है पिकॉक का आउटर लेयर देख सकते हैं कितना डिफरेंट हो गया है। अभी मैं ग्रीन में भी थोड़ा सा वैसे ही कर दूँगी, थोड़ा सा डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन है तो उसमें से थोड़ा डार्क ग्रीन लूँगी, डार्क ग्रीन लेके थोड़ा सा जो है पैटर्न के ऊपर क्रिएट कर लूँगी। क्योंकि ये ग्रीन कलर का जो पैटर्न है ये एक मतलब हर एक पैटर्न में एक एक भी कर रही थी, छोटा छोटा सा कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा करीब ही। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को अगर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।